हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हिमता ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं एक धारचूला का न्यू एक वाटरफॉल है, उसको मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो अभी मेरे साथ पहले पापा मम्मी को मैंने गोटी गोटी जाना है, फिर गोटी से हमने पापा मम्मी को फिर वहाँ छोड़ना है, मार्केट छोड़ना है, फिर वहाँ से मार्केट से फिर हम सब साथ वाले मिल के जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर मैंने आज एक्सप्लोर करना है। तो देखते रहो, तो अभी चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सीधे अभी गोठी चलते हैं, अभी हम सीधे पहले पापा मम्मी के साथ फिर चलते हैं आगे। तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं घर से, कमरे से, और निकलते हैं अभी गाड़ी की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने कार की ओर, जैसे कि वो दिख रहा होगा कार, वहां पे कार खड़ी करी है हमने। फिर कार से है सफ़र, और अभी घर वाले देखो उतना दूर है अभी, वो उतना दूर है अभी, तब तक मैं कार स्टार्ट रखता हूँ, फिर वेट करते हैं, फिर निकलते हैं। ये हेमू ड्राइव करते हुए, हेमू ड्राइव कर रहे हैं, हम बैठे हैं। तो अभी हम गोटी पहुँच चुके हैं पापा मम्मी के साथ, भाई भी आया है, भाई भी वो दिख रहा होगा, भाई बच्चे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा भाई एक और है जग्गू, तो उसको भी यहाँ से पिक करना है, फिर आगे निगल पानी से अपने भाई प्यारे भाई को पिक करना है, फिर मार्केट से विक्कू भाई को पिक करना है, सबको पिक करके फिर निकलना है हमने वाटरफॉल की ओर। अभी भाई को लेने के लिए अब हम निकले हैं, पर सारा वो आया नहीं है, तो अभी हम सब भाई लोग मिल गए, अब जाते हैं केक लेने, क्योंकि एक बहुत लेट बर्थडे बन रहा है। बर्थडे आज पता चला कि आज बर्थडे हमारा है, कि हम सब बर्थडे बन रहे हैं, पर बहुत लेट बर्थडे बन रहा है। तो अभी दिखाता हूँ, जैसे कि मैं हम मार्केट में है, देख लो कहाँ पे जा रहे हैं केक लेने। केक लेने रावत, रावत में, रावत बेकरी में, गांधी जी यहाँ का, गांधी चौक, गांधी जी का पिछवाड़ा दिख रहा है ऐसे तो वो है रावत दिख रहा है, ये तो है, ये रावत गौरव बेकरी जी। तो पहुंच गए, अंकल एक केक दे देना, अभी चाहिए। तो अभी केक वेक ले लिया है ये भाई के हाथ में, देख लो सरप्राइज केक। अब चलते अपनी गाड़ी की तरफ, अपना भाई वहाँ पे रुका है, वेट कर रहा है, ऐसा तो बोल रहा है वेट कर रहा हूँ करके, पता नहीं भाई वहाँ पे है कि नहीं। ये है वो शख्स जो वेट कर रहा था हमारा। तो अब यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते भाई भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, सबका भी बर्थडे है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, ये देखो गाइस कैसा लड़ रहे हैं, एक ही सीट, ये फ्रंट सीट बैठने के लिए कैसा लड़ रहे हैं दोनों के दोनों, दोनों भाई के बीच लड़ाई, ये आखिर जीत क्योंकि भी फाइनली सारे लोग आ गए। एक थैंक यू बोलना, कहाँ गया भाई, दो ये तीन और भाई ड्राइव कर रहा है। अभी चिप्स कहाँ से ले रहे हम लोग, चिप्स ले लो यहाँ से, सरप्राइज पार्टी है और सरप्राइज प्लेस भी कह सकते हैं। सरप्राइज प्लेस सही, ये भी सही कह रहे हैं। आज कल धारचूला में जब से लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ है तो काफी मतलब भीड़ भाड़ लगी हुई है, और क्या बोलो, तो देखो आगे देखते हैं, देखते रहो बस। तो झरना है ना, वो मैंने सुना कि वो छिड़कला से आता है वाला पानी, डैम का पानी है वो। लेकिन भाई नीचे से ऊपर कैसे डालेंगे, नहीं ये सुरंग है बोल रहे, सुरंग है उसके लिए बोल रहे, सुरंग बना रखी है उसके लिए बोला, सुना में आया। अगर वहाँ पे कोई मिल जाता है तो उनसे पता कर सकते हैं। आएगा
से राती फॉल से अब हम नीचे से होते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आता है तपोवन जो आपदा के कारण बह गया था 2013। नेपाल ने भी काफ़ी तरक्की कर ली यार, नेपाल ने भी ऊपर तक रोड बना लिया है, देख रहे हो भाई। ये आ रहा है राती फॉल जो सूख चुका था, थोड़ा आ रहा है बट अब सूख चुका है पूरा, तो यहाँ से काफी अच्छा दिखता था राती फॉल। लड़का रोज जा रहा था ये, और ये भाई दो तीन बार चले गया, और ये भाई तो एक बार भी नहीं गया, और ये और मैं हम भी नहीं गए। मैं गया लेकिन वापस आ गया थे रस्ते से, रोड इतनी खराब थी। अब ये हम पहुंच गए धोबाट, ये आपका धोबाट का झरना जहां हम नहाते थे, सूख गया है अभी। हैलागढ़ पहुंचने करने कितना टाइम है, 20 मिनट, 20 मिनट लग जाएगा, 4 किलोमीटर, 20 मिनट है, 4 किलोमीटर है भाई, तो 4 किलोमीटर आखिर लगेगा, 10 मिनट पहुंचा दो तुझे वहाँ, 10 मिनट। रोड काफी खराब है, सरप्राइज प्लेस जहां आने वाले थे। तो फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं जहां आना था, जहां मैंने एक्सप्लोर करना था वो दिखा रहा था मैं आपको प्लेस एक बार, कितना सुंदर है ये देख लीजिए वाटरफॉल। और जो ये वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल है एलागढ़ में, एलागढ़ का वाटरफॉल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये छिरकिला डैम के वाटर, छिरकिला डैम का पानी आता है इसके अंदर, और पता नहीं कहाँ से घुस के इतने ऊपर से आ रहा है, देख सकते हो कितना ऊपर से आ रहा है। और छिरकिला डैम तो मे बी नीचे साइड को होगा ना, इस नीचे साइड को होगा, बट ये पानी इतना ऊपर से आ रहा है तो पता नहीं किस सुरंग बनाए, कैसा सुरंग बनाए, ये तो हमें भी नहीं पता कहाँ से बनाया, बट इसकी सुंदरता देखो, मतलब गाइस क्या सुंदर है गाइस ये। एकदम दूध जैसा पानी है इसका, इसका व्यू देख लो आगे। और ये है एलागढ़ का पुल जो टूटते रहता है बीच में, पर इस बात तो बहुत सख्त वाला बना रखा है, अच्छी से सीमेंटेड बना रखा है। और ये है अपना भाई जग्गू, ये है रिक्कू, और ये है तन्नू, और अपना एक भाई सामान लेने गया है शॉप में उस पर। तो अब पहुंच चुके हैं वहाँ, जाते अंदर, दूर से मैंने आपको दिखाई दिया है कि कैसा है इसका सुंदरता, मैंने दूर से दिखाई दिया, बट वहाँ जाके आज हम करने वाले इन्जॉय फुल बर्थडे सरप्राइज। देखते हैं इसको निकलता है, ठीक है, तो जब तक देखते रहो बने रहो। तो हम अब निकल चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है झरना, ये झरने के बारे में बता चुका हूँ मैं कि छिरकिला डैम का, छिरकिला डैम से आ रहा है पानी, और इतनी सही जगह है, अगर कोई धारचूला में है तो यहाँ पर आके पक्का विजिट करना, और यहाँ पर आके आप इन्जॉय कर सकते हो। तो देखो ये गाइस, भाई लोग, और यार सीन निकलो गाइस यार, तो मजा आने वाला है क्योंकि आज यहाँ पे होने वाला है केक कट, और देखो किसके नाम पर केक कटता है वो जरूर देखना। सीन देखो भाई गाइस, वो देखो वहाँ रेनबो दिख रहा होगा गाइस, वो रेनबो कैप्चर हो गया इसमें, हाँ ये टाइमिंग देखो ना गाइस, क्या परफेक्टली बैठा है यार टाइमिंग, देखो गाइस ये गाइस रेनबो, ये वो भी जब सिर्फ नदी नदी में आ रखा है रेनबो, आपको दिख रहा होगा इसमें। तो अब चलते हैं सीधे सीन पे, सीधे वहाँ पे चलते हैं उसी रेनबो के नज़दीक चलते हैं, फिर वहाँ पे केक केक कट के केक कटिंग का देखते हैं। टाइमिंग
ये भाई देखो कहाँ जा रहे हैं, ओए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जग्गो किसके नाम का केक है ये? वो तो सरप्राइज यार, खुल के पता चलेगा, अनबॉक्स होगा ना, जब ये अनबॉक्स होगा तब पता चलेगा। अरे सरप्राइज है वाला भाई, देख लो सीन। तो ये है डस्टबिन, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है बट जैसे कि आपने देख लिया होगा, मैंने दिखाया आपको, वो बन जा रहा था। पूरा 360 देख लो गाइस, ये वो है वहाँ पे पुल, ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो ये झरना है एलागाड़ का, वो है धारचूला से सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर के अंदर अंदर है झरना। तो अब चलते हैं, अब सीधे इंजॉय करते हैं, फोटो शूट करते हैं, क्योंकि अभी रेनबो आया है, उसको कैप्चर करना ज़रूरी है। तो कैप्चर करते थे, हम इंजॉय करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। फाइनली केक कट होने जा रहा है, ये देखिए मेरे सारे फ्रेंड केक कट हो रहा है, काफी मजे करेंगे अभी। हम आ रखे हैं एलागाड़ फॉल पे, कर लिया बहुत हमने, जैसे एक एक कट उठ गए। अब चल रहे हैं सीधे नहाने, नहाते हैं थोड़ा, कैसा बोलते हैं गंदा कर दिया इन लोगों ने, कैसा बोलते हैं बोर्ड की हो चुका है। तो लेट्स गो अंदर। तो गाइस हमने फ्रेशअप हो गए, इंजॉय कर लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, बाकी लोगों ने इंजॉय नहीं किया, क्योंकि बोल रहे वो लोग में ठंडा पानी है, नहीं कर रहे इंजॉय। तो हमने तो करना था इंजॉय, आगे तो इंजॉय करने की चक्कर से आए थे, तो इंजॉय कर लिया हमने। तो अब खाना पीना जैसे लाए थे जो छोटा मोटा, वो खा के अब हम निकलते हैं रूम की ओर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर, आउट।